जम्मू कश्मीर के कठुआ में खानाबदोश समुदाय की 8 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने सोमवार को 7 में से 6 लोगों को दोषी करार दिया है। मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे विशाल को इसमें बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कठुआ रेप केस में स्पेशल कोर्ट का आज फैसला आया है, जिसमें से 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 1 आरोपी को बरी कर दिया है। कठुआ रेप केस में स्पेशल कोर्ट का आया फैसला 6 दोषियों को करार किया है। यहां पर करीब 17 महीने पहले बंजारा समुदाय की 8 साल की बच्ची का बलात्कार और फिर उसका मर्डर किया गया था। कुल 7 आरोपियों में से 6 दोषी करार और ग्राम प्रधान सांजी राम का बेटा बरी कर दिया गया है। सांजी राम के अलावा 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी दोषी करार किए गए हैं। कठुआ रेप केस में स्पेशल कोर्ट का फैसला आपको बता रहे, जिसमें से 6 दोषियों को करार किया है। करीब 17 महीने पहले बंजारा समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसका मर्डर किया गया था और कठुआ रेप केस में स्पेशल कोर्ट का आज फैसला आया है।